यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एटीएस की जो ये कार्रवाई हुई इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा सर, ये बताइए कि ये इनपुट कैसे मिला कि इस तरह की आतंकी गतिविधि लखनऊ में संचालित हो रही है? एटीएस हमारी स्पेशलाइज संस्था है और एटीएस को लगातार इनपुट्स लेती भी है, खोजती भी है, तो ये इनपुट उनको कई दिनों पहले मिला था। कल दो लोगों को इसलिए तत्काल गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि जब एटीएस को लगा कि ये कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं तो फिर बिना विलंब किए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में ये स्पष्ट है कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि हैंडलर्स इनके विदेशों में, और उनसे जो एक्सचेंज इनपुट मिला है उससे बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है अलकायदा का भी हाथ इन लोगों को ट्रेन करने में या इन लोगों को हैंडल करने में रहा है। दो लोगों को गिरफ्तार कल किया है, आज पुलिस रिमांड जो है पुलिस ले रही है। बहुत गंभीरता से इन लोगों की जो है इंटरोगेशन होगा जिससे कि इनके लिंक्स पूरे जानकारी होंगे। अन्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग की ओर से यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि एटीएस को और मजबूत किया जाए, तो इस क्रम में एटीएस को मैन पावर, रिसोर्सेज और इक्विपमेंट सभी चीज़ें जो हैं मजबूती से दिलाई जा रही हैं जिससे कि एटीएस को आगे इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने में कहीं कोई कठिनाई ना हो। सर, एक सवाल ये भी है कि कानपुर में भी कई जगह छापेमारी हुई है, तो क्या वहाँ के इनपुट भी मिले थे कि वहाँ भी कई लोग हैं ऐसे संदिग्ध? देखिए, ऐसा जैसा भी मैंने बताया आपको, हमारे डीजीएलओ और आईजी एटीएस ने कल जो है ब्रीफ किया था प्रेस को, तो अभी बहुत प्री मैच्योर है कि कहाँ छापे पड़ रहे हैं, कहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो इनपुट्स कल मिले थे उसके बेसिस पर आज कार्रवाई हो रही है। आज शाम तक जैसा भी होगा ब्रीफ प्रेस को एटीएस करेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में जहाँ भी कोई इस तरह का एलिमेंट होगा तो वहाँ छापेमारी की जाएगी। इतना जरूर है कि एटीएस जो है सभी सेंट्रल एजेंसीज का भी सहयोग लेगी और किसी न किसी रूप में सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेकर जहाँ भी होगा ऐसे लोगों को निकालेगी बाहर। मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको आपस में लिंक्ड अप नहीं होते हैं, तो ये एक चैलेंज रहता है, तो एटीएस प्रोफेशनल संस्था है, वो उस काम को करे। सर, अभी ये जानकारी मिल रही थी आप लोगों की तरफ से, साझा किया गया कि एटीएस को आप लोग और मजबूत करने जा रहे हैं, तो ये आवश्यकता इस समय क्यों महसूस हो रही है? देखिए, प्रदेश हमारा बड़ा है और किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए जरूरी है कि जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, जो भी हमारे सेंसिटिव सिटीज हैं, और चूंकि प्रदेश में मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है लोगों का भी और बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, तो ऐसे में निश्चय ही सेंसिटिविटी अधिक होने के कारण, और आज की तारीख में सोशल मीडिया में कौन कहाँ किससे कनेक्ट हो जाए ये समझ में जल्दी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में जो है कार्रवाई करने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है और इक्विपमेंट और मजबूत टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे एटीएस जो है ऐसे लोगों को जड़ से पकड़ ले और फिर कार्रवाई भी करे। सर, एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि अभी ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपद हैं जो बहुत संवेदनशील हैं, क्या वो भी टारगेट पे थे? मतलब मैं काशी की बात कर रहा हूँ, मथुरा की बात कर रहा हूँ, अयोध्या की बात कर रहा हूँ, लखनऊ की बात कर रहा हूँ। देखिए, सभी ऐसे आतंकवादी जो है दहशत फैलाने का काम करते हैं, इनके लिए इसलिए दहशतगर्द भी कहा जाता है, तो सेंसिटिव एरियाज तो टारगेट पे इनके रहते ही हैं। अब हम लोगों को देखना कि एग्जैक्ट क्या इनकी नीति थी, वो सब इंटरोगेशन से क्लियर कट हो। सर, क्या मैसेज है इस बड़े ऑपरेशन के बाद, क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि हर हालत में एटीएस मजबूती से काम करेगा, हमारे प्रदेश को यूपी पुलिस और एटीएस और सभी उनकी संस्थाएं जो है सुरक्षित रखने में हर संभव प्रयास करेंगी। मुख्यमंत्री जी का बहुत क्लियर कट आदेश है कि कहीं भी कोई कमी ना हो और इन संस्थाओं को मजबूती से काम करने का मौका भी दिया जाए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि एटीएस ने पूरी पुख्ता इंफॉर्मेशन के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फिलहाल उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जा रही है और इस ऑपरेशन के जरिए यह भी मैसेज देने की कोशिश है कि एटीएस इस तरह के ऑपरेशन आगे भी करती रहेगी। और दूसरी सबसे अहम बात कि एटीएस को और ज्यादा मजबूती यूपी सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से दी जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24।